हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हुरानिया, मैं रोहन, और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। उस वीडियो का टाइटल है, हमें तो कर्म का फल मिलेगा फिर हम पूजा क्यों करें, अनिरुद्ध आचार्य जी वर्सेस मुफ्ती यासिर नदीम। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस टाइटल देख के तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल कर रही है एक महिला पंडित जी से। तो देखते हैं पहले महिला का क्या जवाब देते हैं, उनका आंसर क्या रहता है पंडित जी का, उसके बाद फिर मुफ्ती यासिर नदीम सर का जवाब देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना, तभी आपको सच बात का पता चल पाएगा, हक बात का पता चल पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। करते हैं, चलिए देखते हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, मेरा एक प्रश्न है, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। जो लोग नियम धर्म कर्म से मन से बहुत भक्ति करते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट है। सबके जीवन में कष्ट है जो भी भक्ति करते हैं। मैं भी ठाकुर जी को मानती हूँ, उनके इर्द गिर्द ही मेरे विचार रहते हैं, लेकिन इतने नियम मैं नहीं पालन कर सकती हूँ। जो थोड़ा होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन जो ज़्यादा नियम पालन करते हैं इतना कष्ट में रहते हैं, फिर भी उनके साथ तर पर तर, तर ब तर उल्टा होता ही जाता है। तो कहते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है, उनके कर्म है, जैसे वो कभी कुछ पिछले जन्म में किया होगा, कभी इस जन्म में किया होगा, उनका फल है उनका दुख। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आता कि जब कर्म करके फल लेना है, कर्म करके फल लेना है, तो वो भक्ति का उसमें क्या योगदान है, वही मेरे को। और जब भगवान कहते हैं कि मेरी आप भक्ति करोगे तो मैं हर चीज़ से आपको मुक्त कर दूंगा, आपके लिए जीवन आसान कर दूंगा, तो फिर कर्म का दोष कैसे लगेगा, मुझे वो समझ नहीं आता। वाह, सुंदर प्रश्न है, इसलिए ताली बजाओ। सब बैठो आप लोग, अच्छे प्रश्न पूछने चाहिए ऐसे जैसे इन्होंने पूछा। सब बैठो, पहले अगल बगल की बहनें सब बैठाओ। सुनो, इन्होंने पूछा है कि जब कर्म का ही फल भोगना है तो फिर भक्ति करने की क्या जरूरत है। सिंपल ये है, क्यों सही है। अर्जुन भक्त थे कि नहीं, माइक ले लो, आगे पीछे की मैया बैठ जाओ। अर्जुन भक्त थे कि नहीं, थे ना। लेकिन अर्जुन को भी 12 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, 12 साल तक जंगल में रहना कोई सरल काम तो नहीं है। एक साल अज्ञातवास जंगल में रहना, किसी के दास दासी बन के रहना, सरल काम तो नहीं है। जबकि अर्जुन जैसा भक्त कौन होगा, फिर भी उन्हें कष्ट उठाना पड़ा। भगवान राम तो स्वयं भगवान थे, 14 साल का कष्ट। माता सीता तो साक्षात लक्ष्मी थी, फिर भी दर दर की ठोकर, जंगल में लकड़ियां काट काट के बच्चों का लव कुश का लालन पालन किया भगवान की पत्नी। इसी प्रकार अब आप कहते हैं कि जब हम भक्ति करें तो फिर कर्म ही का फल भोगना है, तो भक्ति का अर्थ क्या। बात ऐसी है बेटा कि कर्म तो अपनी जगह है, कर्म तो हमें भोगनी है, हमें भी भोगना है, आपको भी भोगना है। भक्ति सिर्फ इसलिए की जाती है, इसलिए नहीं की जाती कि भगवान हमें पैसे वाला बना दें, भगवान हमें धन धान्य से भर दें, घर में सब कुछ हो। भक्ति का मतलब पैसा पाना नहीं, भगवान से बेटा बेटी मांगना नहीं। अरे भगवान की भक्ति आपको जो देगी, कोई कर्म में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो दे सके। अब उदाहरण से समझो, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, क्या विभीषण का कोई ऐसा कर्म उसे राजा बना सकता था। कर्म अच्छे करता था फिर भी लातें खाता था, रावण लात मार के निकालता था, उसके कर्म का भी उसे दंड मिला। पर भगवान की भक्ति जो की, उस भक्ति का भी फल, कर्मों का फल यदि मिलता है तो भक्ति का फल भी मिलता है। थोड़ा सा देर है, विभीषण को भक्ति का फल मिला। उस कोई व्यक्ति ऐसा कितना कर्म करता कि वो लंका का राजा,
भगवान कर्मों के फल को नहीं देखते कि तुमने भक्ति हमारी कितनी की। जब भक्त शरण में चला जाता है तो भगवान भूल जाते हैं कि कितना बड़ा पापी और पतित है, उठा करके राज सिंहासन पर बिठा देते हैं। सारे क्वेश्चन तो आपसे सर, डामाडोल हूँ सर, काफी कुछ पता समझ में नहीं आ रहा। तो फिर अभी एक्स क्यों लिख दिया आपने? सर मजहब छोड़ दिया, बिलीव करना छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, ये बात है, ठीक है जी। सवाल पूछ लूं सर? जी पूछ लीजिए सर। सवाल ये है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की क्या जरूरत है, और अगर जरूरत नहीं है तो वो हमें सजा क्यों देगा? ठीक, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है मेरे भाई, और इसका जवाब यह है कि अल्लाह ताला को हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसको हमारी इबादत की जरूरत होती तो वो जरूरत हमेशा रहती और हम हमेशा से नहीं है। तो आखिर हमारी तखलीक से पहले भी फिर उसको जरूरत अगर थी तो वो जरूरत कैसे पूरी कर रहा था? आप ये कह सकते हैं कि जी फरिश्तों से कर रहा था, फरिश्ते भी हमेशा नहीं है। प्री इटर्नल तो सिर्फ खुदा की जात है, बाकी सब मखलूक है जो बाद में क्रिएट हुए हैं। तो खुदा को हमारी इबादत की कतअन भी किसी भी किस्म की कोई जरूरत नहीं है। वो जरूरत किसको है? वो जरूरत हमें है, इसलिए हमें खुदा की इबादत करनी है। और वो पनिशमेंट इसलिए देगा चूंकि इंसाफ कायम करना ये जरूरी है। यानी खुदा की जो सिफात हैं उन सिफतों में एक सिफत है अदल, और अदल के माने आते हैं इंसाफ के, आप जानते ही होंगे। तो हर सिफत का कोई ना कोई मजहर यानी मैनिफेस्टेशन होना जो है वो जरूरी है। तो अदल का मैनिफेस्टेशन उस वक्त होगा जबकि इंसान की तख्लीक होगी और इंसान में कुछ अच्छे काम करेंगे, कुछ बुरे काम करेंगे, और जो अच्छे काम करेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो बुरे काम करेंगे वो जहन्नम में जाएंगे। तो खुदा की सिफात के मजहर और मैनिफेस्टेशन की वजह से हमारी तख्लीक हुई है, खुदा की जरूरत नहीं है ये। जी मैं समझ गया, लेकिन सजा क्यों मिलेगी जब उसको जरूरत ही नहीं है? मैंने बताया ना आपको कि अगर सजा न मिले तो इंसाफ कायम ना हो। और अगर मान लीजिए, मैं आपको आपको मिसाल के तौर पर बताता हूं कि सजा क्यों मिलेगी। एक तसव्वुर करें कि अगर खुदा ये ऐलान कर दे कि तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, ठीक है, सब जन्नत में जाओगे, तो आप मुझे बताएं कि इस वक्त हम में से हर एक आदमी एक दूसरे का गला काट रहा होता, लूट मार कर रहे होते, और इस दुनिया की हालत अबतर तरीन यानी इस वक्त जो है उससे ज्यादा हो चुकी होती और कोई शख्स जिंदा ना बचता। जी हाँ, मुझे यार समझ में नहीं आता कि ये लोग आखिर। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। सबसे पहले बात कर ले पंडित जी की, मतलब हम मतलब पंडित जी के लॉजिक से जैसे उनका रिप्लाई था, उनसे ये समझ में आता है कि हम कैसे भी कर्म करें, चाहे हम पाप करें या किसी को भी गाली दे, किसी के साथ लड़ाई करे, बे इंसाफी के साथ हमेशा खड़े रहे, असत्य के साथ खड़े रहे, और हम पूजा करने लग जाए एक तरफ, तो हमें हमारा जो क्रिएटर है वो खुश हो जाएगा। ये एक लॉजिकल रिप्लाई नहीं है, ठीक है, कि कैसे खुश हो सकता है फिर? ये तो ना इंसाफी वाली चीज़ हुई ना, कि कोई भी यार फिर कल के दिन कोई भी उठ के, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, वो कल के दिन जाके किसी का भी मर्डर कर देगा, किसी की भी के साथ रेप कर देगा, उसके बाद जाके फिर पूजा करने लग जाएगा, तो ये तो फिर ना इंसाफी होगा ना सामने वाले इंसान के साथ। और एक चीज़ ये है कि जो कर्म है वही चीज़ ये समझानी चाहिए कि कर्म जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, और भक्ति जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। आपको भक्ति भी अच्छे मन से करनी चाहिए, और जो कर्म है आपके उसे भी अच्छे तरीके से करने चाहिए, लोगों के साथ भलाई करनी चाहिए, तभी आपका भगवान खुश होगा। ना कि ये कि आपके कर्म अच्छे नहीं है लेकिन आप सिर्फ भक्ति कर रहे हो, दूसरों को कुछ कष्ट पहुँचा के आप सिर्फ भगवान को पूजा कर रहे हो, तो उसमें कैसे भगवान खुश हो सकता है? ये तो इंसाफ नहीं हुआ। बल्कि भगवान तब खुश होगा जब आप लोगों के साथ भी भलाई करते हो, आपके कर्म अच्छे होते हैं, और आप भगवान को भी मतलब भगवान उसी से खुश होगा। और भक्ति मतलब एक अच्छे कर्म करना भी एक भक्ति है, अपने भगवान वैसे भी खुश होते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें करने से, तो वो भी एक तरह की भक्ति ही है। तो जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको ये चीज़ें लोगों को सिखानी चाहिए कि दोनों चीज़ एक ही है, आप अच्छे कर्म करो उससे भगवान खुश होगा, भक्ति भी वही है, और नॉर्मल जैसे हम भगवान को याद करते हैं वो भी एक भक्ति है। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन करके चलना चाहिए, ये चीज़ें इंसाफ है और हमारे भगवान को खुश करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। सो गाइस, ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।